गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स है। ये इसकी डेफिनेशन है, डिटरमिनेंट इज ए स्केलर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको हम लोग नोटेशन होती है इसकी, डिटरमिनेंट ए। अगर मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो इसका जो नोटेशन है वो है डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए। ये इसके हमारे पास जो है वो नोटेशन है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू जीरो, दो लीनियर इक्वेशन है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें एक्स बाय वाई की, तो ए वन एक्स इक्वल टू माइनस बी वन वाई आ जाएगा, और एक्स बाय वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी वन डिवाइडेड बाय ए वन। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ए टू एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी टू वाई एंड एक्स बाय वाई इक्वल टू माइनस बी टू डिवाइडेड बाई ए टू। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो राइट हैंड साइड भी हम बराबर रख सकते हैं, तो माइनस बी वन डिवाइडेड बाई ए वन इक्वल टू माइनस बी टू डिवाइडेड बाई ए टू। ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वन ए टू इज इक्वल टू ए वन बी टू आ जाएगा हमारे पास। और इसको हम लिख सकते हैं ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू इक्वल टू जीरो। तो जो ये वाली चीज़ है इस इन दोनों इक्वेशंस के लिए, ये वाली चीज़ इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू इज डिटरमिनेंट। तो यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैट्रिक्स आएगी मेरे पास ए वन बी वन ए टू बी टू। ये मैट्रिक्स बनाने का तरीका है हमारे पास, पहले एक्स का कोफिशिएंट डालने लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर y का फर्स्ट इक्वेशन से, फिर सेकेंड इक्वेशन से सिमिलरली x का और y का। तो अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, लेट दिस इज मैट्रिक्स ए, लेट दिस इज मैट्रिक्स ए, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट चेक करना है तो मेरे को यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट का सिंबल डालना पड़ेगा। और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बताया है, पहले आप लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम मल्टीप्लाई करेंगे ए वन बी टू, फिर लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस। इसका साइन चेंज करना है हमने, इसमें हमने यहाँ पे क्लियर चेक कर लिया है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस ए टू बी वन। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट टू बाय टू मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट निकालने का हमारे पास ये तरीका रहेगा। एक एग्जांपल से मैं और बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया कि मेरे पास मुझे एक डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है टू बाय टू का, माइनस टू थ्री फोर माइनस नाइन। मान लीजिए टू बाय टू का मेरे पास एक डिटरमिनेंट मुझे कैलकुलेट करना है। जैसा हमारे को फॉर्मूला पता है कि पहले मैंने मुझे लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस का लेना है, फिर लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप करना है, इसको मुझे नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टू इंटू माइनस नाइन एटीन। ये वाला साइन चेंज करना है मेरे को, और फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ये आ जाएगा मेरे पास सिक्स। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू और स्केलर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये छः हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू छः हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में है, मैं आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर बताने जा रहा हूँ टू बाय टू मैट्रिक्स के लिए, कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या है। ये दो चीज़ें हम लोग आगे करने जा रहे हैं कि माइनर और कोफैक्टर्स क्या हैं, कैसे निकालते हैं। मेरे पास मान लिया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट अ मैट्रिक्स इज, यही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास माइनस टू थ्री फोर माइनस नाइन, ठीक है, माइनर निकालना है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, जैसे अगर आप लोग चेक करें तो ये टू बाय टू का मैट्रिक्स है मेरे पास, टोटल चार एलिमेंट इसके पास हैं, तो जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स के पास चार एलिमेंट हैं तो चार ही हम माइनर निकाल सकते हैं और चार ही हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनर्स को हम लोग, जैसे मान लिया कि मुझे माइनर निकालना, माइनर ऑफ ए वन वन, इसका माइनर निकालना है, ए वन वन एलिमेंट का माइनर निकालना है। इसके लिए नोटेशन हम लोग कैपिटल एम से देते हैं, कैपिटल एम वन वन, ये नोटेशन है इसकी, कैपिटल एम वन वन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो जो यहाँ पे नाम है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ए वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ देना है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करने के बाद मेरे पास ये माइनस नाइन बचता है, तो इसका जो माइनर है ए वन वन का वो मेरे पास
माइनस नाइन आएगा। ये तरीका है माइनर निकालने का। जैसे अगर मुझे यहाँ पे एम वन टू निकालना है, माइनर ऑफ ए वन टू, तो जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो रो और वो कॉलम हमें एलिमिनेट करना है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मुझे छोड़ देना है, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम ये मैंने छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पे बचेगा ये फोर, तो इसका जो माइनर होगा वो आएगा फोर। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे एम टू वन निकालना है तो टू वन का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है मेरे पास, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट बचता है थ्री। सिमिलरली एम टू टू, तो एम टू टू मेरे पास आ जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम मैंने छोड़ देना है, मेरे पास आ जाएगा माइनस टू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे माइनस निकाल सकते हैं टू बाई टू मैट्रिक्स के लिए। अगर मुझे कोफैक्टर्स निकालने हैं तो कोफैक्टर्स के लिए सिंबल हो जाता है कैपिटल, कैपिटल ए आई जे, जनरल फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पे कैपिटल ए आई जे। कैपिटल ए हमारे पास कोफैक्टर के लिए नोटेशन है, ये होता है मेरे पास माइनस वन रेज टू पावर आई प्लस जे एंड माइनर आई जे, ये इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे अगर मेरे को ए वन वन, माइनर ऑफ ए वन वन, कोफैक्टर ऑफ ए वन वन एलिमेंट निकालना है तो इसके लिए मेरे पास रहेगा माइनस वन रेज टू पावर इन दोनों का सम वन प्लस वन। बाकी जो हमने ऊपर किया था वही सेम रहेगा, जो इसके लिए किया था हमने वही सेम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने एलिमिनेट कर देना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो याद आएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस नाइन। तो माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस आ जाएगा और माइनस नाइन ये आ जाएगा मेरे पास माइनस नाइन। इसके बाद सिमिलरली ए वन टू, माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस टू, वी विल एलिमिनेट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फोर। तो ये वाली वैल्यू फोर है, ये माइनस वन है, तो माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर। सिमिलरली ए टू वन निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस वन रेज़्ड पावर टू प्लस वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आई विल गेट थ्री, तीन मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, लेकिन इस ये माइनस है तो माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री। ऐसे ही अगर मुझे ये टू टू निकालना है तो माइनस वन रेज़्ड पावर टू प्लस टू, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम मुझे एलिमिनेट कर देना है तो माइनस टू, ये वाली वैल्यू प्लस है माइनस टू मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोफैक्टर्स और माइनर निकालते हैं एक टू बाय टू मैट्रिक्स के लिए। अब हम थ्री बाय थ्री का एग्जांपल लेंगे, थ्री बाय थ्री एक मैट्रिक्स लेंगे, उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं और फिर उसको एक्सपेंड कैसे करना है, वैल्यू कैसे निकलेगी वो हमने अब सीखना है। एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने टू माइनस फोर थ्री, थ्री वन टू सेवन सिक्स वन, सेवन सिक्स वन ये एग्जांपल है हमारे पास। इसको यूज़ करके माइनस और कोफैक्टर अब थ्री बाय थ्री का कैसे निकालना है उसकी बात करेंगे। जैसे पहले मैं बात करूँगा माइनस की कि माइनर हमने कैसे निकालने हैं। पहले माइनर निकालते हैं M11, इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक मैट्रिक्स के पास जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे इसके पास अगर चेक करते हो तो 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट है ये मेरे पास यहाँ पे। इसके पास टोटल 9 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट इसके पास हमारे पास हैं। तो इसके पास 9 एलिमेंट है तो 9 ही माइनर्स हम निकाल सकते हैं और 9 ही कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी डिटरमिनेंट के पास जितने भी, या किसी भी मैट्रिक्स के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स और कोफैक्टर निकलेंगे हमारे पास। तो जैसे ये वन वन निकालना है, जैसा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमें एलिमिनेट कर देना है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम हमने एलिमिनेट कर देना है। तो मेरे पास बच गया वन टू सिक्स वन, जो बच गया वो लिख देंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करने के बाद। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, पहले लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम वन, देन माइनस, देन ट्वेल्व माइनस इलेवन। तो ये तरीका हमारे पास रहेगा माइनर निकालने के लिए। जैसे अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट का निकालना है, वन टू का माइनर निकालना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मुझे एलिमिनेट कर देना है तो मेरे पास बचता है थ्री टू सेवन वन।
ठीक है, सॉल्व करने का तरीका है मेरे पास यहाँ पे 3 - 14 - 11। ऐसी ही अगर मुझे किसी और का निकालना है, जैसे मान लिया एक और बताता हूँ, M22 का निकालना है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम मुझे एलिमिनेट करना है। ये सेकंड रो है मेरे पास और ये सेकंड कॉलम है, ये मुझे एलिमिनेट कर देना है। तो मेरे पास बच जाएगा 2 3 7 1। सेकंड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करने के बाद में 2 3 7 1 बच जाएगा। और सॉल्व करने का कैसे करेंगे इसको, 2 - 21 - 19। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी भी माइनस निकाल सकते हैं। ठीक है, नो एलिमेंट है, नो के नो, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए कैपिटल ए आई जे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए आई जे से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 raised to power i + j इंटू एम आई जे। ये इसके लिए मेथड है, फॉर्मूला है। जैसे मान लिया कि अगर मुझे A11 निकालना है, तो A11 निकालना है तो ये हो जाएगा -1 raised to power i + j, और वही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करने के बाद में आ जाएगा ये 1 2 6 1। -1 raised to power 2 ये प्लस है, इधर आएगा 1 - 12 - 11। अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है 1 2 का, तो -1 raised to power 1 + 2, ये ऊपर माइनस वन के ऊपर पावर, ये जो 1 + 2 आ रही है वो यहीं से आएगी। और मुझे यहाँ पे अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर देना है, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर देना, तो मेरे पास बचेगा 3 2 7 1। ये वाली वैल्यू माइनस है, -1 raised to power 3। यहाँ से आएगा 3 - 14, 3 - 14 इज -11 मल्टीप्लाई विद -1 + 11। सिमिलरली अगर मुझे A13 निकालना है, तो -1 raised to power 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर देना है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा मेरे पास 3 1 7 6। तो -1 raised to power 4 ये प्लस आ जाएगा और यहाँ बनेगा 18 - 7 हो जाएगा +11। इस तरीके से हम लोग बाकी भी कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अगर मुझे A32 का निकालना है, 32 ये वाला एलिमेंट है, 32 हमारे पास, अगर A32 का निकालना है तो ये आ जाएगा -1 raised to power 3 + 2। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम मुझे छोड़ना है, थर्ड रो ये है मेरे पास, सेकेंड कॉलम ये है मेरे पास, ये छोड़ देना है, तो मेरे पास बचेगा 2 3 3 2 2 3 3 2। ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस है और इधर से मेरे पास आ जाएगा 4 - 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5 - -5। तो इस तरीके से जितने भी माइनस हमें निकालने कोफैक्टर हम निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है वैल्यू या डिटरमिनेंट या एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे करनी है, एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको, डिटरमिनेंट भी बोलते हैं इसको, या वैल्यू भी बोलते हैं इसको हम लोग, तो ये कैसे करनी है। तो अगर मान लिया कि हमने एक्सपेंड, अब एक्सपेंड करने के लिए क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स है, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 इसके पास रो हैं और 3 इसके पास कॉलम है, तो हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लिया अगर इसकी वैल्यू को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लिया हम R1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 को मैंने बना लिया कि मैंने R1 से एक्सपेंड करना है, ये R1 है, जो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है या एक्सपेंशन की वैल्यू है वो निकलती है। जैसे R1 के पास यहाँ पे एलिमेंट है, इसका नाम है A11, इसका नाम है A12, इसका नाम है A13, तो A11 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट A12 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट A13 इंटू इसका कोफैक्टर, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग डिटरमिनेंट या वैल्यू बोलते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए। जैसे मान लिया कि अगर मुझे R2 से एक्सपेंड करना है,
आर टू से एक्सपेंड करना है, तो जो आर टू का एलिमेंट ये वाला है इसका नाम है ए टू वन मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर ए टू वन, नेक्स्ट एलिमेंट का नाम है ए टू टू इंटू ए टू टू प्लस ए टू थ्री इंटू ए टू थ्री, तो यहाँ से मेरे पास ये सेम आएगी वैल्यू, हम कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी जगह से एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लिया अगर हम सी वन से कॉलम वन से एक्सपेंड करना चाहें, तो कॉलम वन के लिए मेरे पास ये वाला जो एलिमेंट है इसका नाम है ए वन वन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी ए वन वन इंटू ए वन वन प्लस नेक्स्ट कॉलम वन का ये वाला एलिमेंट है ए टू वन इंटू ए टू वन प्लस नेक्स्ट इसका नाम है ए थ्री वन इंटू ए थ्री वन। इससे भी आंसर सेम आएगा, किसी से भी हम एक्सपेंड कर लें आंसर हमारा सेम आएगा, अभी मैं एक्सपेंड करके भी बताऊंगा, तो हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे मान लिया मुझे ये सी टू से अगर बाई चांस एक्सपेंड करना है, तो सी टू के जो एलिमेंट हैं मेरे पास, ये सी टू है, इसका नाम है ए टू वन इंटू ए टू वन प्लस इसका नाम है ए टू टू इंटू ए टू टू प्लस इसका नाम है ए थ्री टू इंटू ए थ्री टू। ठीक है, ऐसे ही हम कॉलम थ्री से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कहीं से भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम मान लिया कि हम आर वन से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये मान लिया हम वैल्यू निकालते हैं आर वन से, तो आर वन से जब हमें वैल्यू निकालनी है, तो जो ए वन वन है मेरे पास, ए वन वन की वैल्यू है टू, इसकी ए वन वन की वैल्यू है टू, इसको जो निकालना है इसका तरीका है मेरे पास माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस वन, और फिर यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा देंगे हम लोग ए वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा वन टू सिक्स वन प्लस नेक्स्ट ए वन टू एलिमेंट जो मेरे पास है यहां पे, ए वन टू एलिमेंट है माइनस फोर, ए वन टू निकालना है तो ये आएगा माइनस वन रिस्ट पर वन प्लस टू, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मुझे एलिमिनेट करना है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो थ्री टू सेवन वन बचेगा, थ्री टू सेवन वन मेरे पास बचेगा प्लस नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास है ए वन थ्री, ए वन थ्री थ्री, इसका कोफैक्टर निकलेगा माइनस वन रिस्ट पर वन प्लस थ्री, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मुझे यहाँ से, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है, थ्री वन सेवन सिक्स, थ्री वन सेवन सिक्स, सो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास प्लस टू, वन माइनस ट्वेल्व, ये माइनस हो गया, माइनस वन इस वन प्लस टू माइनस, माइनस इंटू माइनस फोर प्लस फोर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास थ्री माइनस फोर्टीन, ये प्लस आ जाएगा प्लस थ्री, और ये हो जाएगा मेरे पास एटीन माइनस सेवन, तो ये आ जाएगा मेरे पास इलेवन, माइनस इलेवन इंटू टू माइनस ट्वेंटी टू, माइनस इलेवन इंटू फोर फोर्टी फोर प्लस थर्टी थ्री, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस थर्टी थ्री आंसर। तो ये वाली ये वैल्यू है जो इस डिटर्मिनेंट के साथ एसोसिएट करती है। ठीक है, इसके लिए हम इतना लेंथी मेथड यूज़ नहीं करते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई भी, डेफिनेशन हमने लगा दी है, लेकिन हम इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग शॉर्टकट ही लगाएंगे। ठीक है, तो वो शॉर्टकट कैसे लगेगा वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लिया कि मेरे पास यही एक इसी का मुझे निकालना है, और आर वन से ही निकालना है, आर वन से ही मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो आर वन में हम चेक करते हैं, जैसे ये आर वन है, यहाँ से मुझे एक्सपेंड करना है इसको, तो इसका नाम है ए वन वन, इसका नाम है ए वन टू, इसका नाम है ए वन थ्री। अगर ये माइनस वन इस पर आई प्लस जे वाली वाली चीज़ हम चेक करते हैं, तो इसका नाम वन वन है, यहाँ पे वन प्लस वन आ जाएगा, इसके लिए साइन आएगा प्लस का माइनस वन, इसका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड जिससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए मेरे पास ये वन प्लस वन अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो माइनस वन इस पर वन प्लस वन टू हो जाएगा, माइनस वन इस पर टू वो प्लस का आ जाएगा। इसके लिए अगर मैं ट्राई करता हूँ वन प्लस टू यहाँ पे ऊपर पुट करता हूँ, तो माइनस वन इस पर वन प्लस टू, इसके लिए साइन मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, और इसके लिए नेक्स्ट वाले के लिए ए वन थ्री के लिए साइन फिर मेरे पास दोबारा से पॉजिटिव आ जाएगा। तो मुझे ये साइन के साथ एलिमेंट लिखना है, ये प्लस टू एक ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस माइनस फोर ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस थ्री एक छोटी सी ब्रैकेट लगा लेंगे, तो जो साइन हमारे आए हैं
उनके साथ ये एलिमेंट लिख करके, जैसे ये प्लस टू ब्रैकेट, माइनस हमारा है इस वजह से आया है माइनस, माइनस फोर एलिमेंट है ब्रैकेट, प्लस साइन है थ्री एलिमेंट है ब्रैकेट। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे इसका नाम ए वन 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 है, इसका नाम ए वन वन है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो ये एक्सपेंड भी साथ साथ कर लेंगे, तो आएगा मेरे पास वन माइनस ट्वेल्व, वन माइनस ट्वेल्व। नेक्स्ट इस एलिमेंट का नाम है वन टू, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम एलिमिनेट करेंगे, तो ये मेरे पास आएगा थ्री माइनस फोर्टीन। इसके लिए नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा, ये रो और कॉलम छोड़ देने, मुझे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मुझे छोड़नी है, ये आएगा एटीन माइनस सेवन। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो सेम मैच करके मेरे पास यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस ट्वेंटी टू, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस फोर्टी फोर, और ये हो जाएगा थर्टी थ्री, आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस थर्टी थ्री। शॉर्टकट मेथड है। सपोज अगर हम यहाँ से इसको सी वन से एक्सपेंड करने की कोशिश करें, एक्सपेंडिंग फ्रॉम सी वन, एक्सपेंडिंग फ्रॉम सी वन, नाउ इफ यू विल चेक यू विल फाइंड दैट एलिमेंट ऑफ सी वन आर ए वन वन, ए टू वन एंड ए थ्री वन। इसका नाम ए वन वन है, इसका नाम ए टू वन है, इसका नाम ए थ्री वन है। अगर ये वाला साइन चेक करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए साइन आएगा प्लस का वन वन, इसके लिए साइन आएगा माइनस का टू वन, इसका लिए साइन आएगा प्लस का थ्री वन। तो ये साइन कंसीडर करने हैं मुझे, प्लस टू ब्रैकेट जैसा बताया था, माइनस ये वाला मेरा साइन, प्लस साथ में एलिमेंट ब्रैकेट, प्लस ये वाला साइन एलिमेंट, जिस साइन का है साइन साथ में लेना एलिमेंट के साथ ब्रैकेट। ये एलिमेंट जो है इसका नाम है ए वन वन, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मुझे एलिमिनेट करना है, जैसे मैंने बताया है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, यह आ जाएगा वन माइनस ट्वेल्व, वन माइनस ट्वेल्व। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, तो इसके लिए मेरे पास ये एलिमेंट टू वन है, बताया था मैंने यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है मेरे पास अगर मुझे कॉलम से एक्सपेंड करना है तो ये एलिमेंट टू वन है, तो टू वन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये एलिमिनेट कर देना है, तो यहाँ से आएगा माइनस फोर माइनस एटीन, माइनस फोर माइनस एटीन। फिर ये एलिमेंट जो है इसका नाम है थ्री वन, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मुझे एलिमिनेट कर देना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एट माइनस थ्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस ट्वेंटी टू, ये आएगा सिक्सटी सिक्स प्लस, और ये आएगा मेरे पास सेवेंटी सेवन माइनस, चेक करोगे तो फिर वही वापस माइनस थर्टी थ्री आंसर आ जाएगा। तो हम कहीं सर कहीं से भी एक्सपेंड करेंगे, रिजल्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास माइनस थर्टी थ्री ही आएगा। इसके लिए जो जो भी वैल्यू आएगी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास यही आएंगे। तो ये कुछ था हमारे पास जिससे हम लोग माइनर निकाल सकते हैं, को फैक्टर्स निकाल सकते हैं और डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं।